जय जवान जय किसान। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। आज हमारी टीम हिसार के खोखा खड़कड़ी गांव में मौजूद है, जहां पर एक तालाब के अंदर गांव में जैसे कि जोड़ बने होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी संख्या में मछलियां मरी हुई सामने दिख रही है। मैं एक बार सचिन भाई को कहूँगा कि एक बार कैमरा जूम करके दिखा दे। सचिन भाई देख लीजिए, तालाब की जितनी भी मछलियाँ हैं सभी की सभी, एक से लेकर जितनी भी मछलियाँ इस तालाब के अंदर थी हजारों के हिसाब से कह सकता हूँ, तो मैं देख लीजिए सारी की सारी मछलियाँ मर चुकी है। अभी तक ये कारण नहीं पता चल पाया कि किस कारण इतनी मछलियाँ मर चुकी है, क्या कारण रहा होगा। और साथ ही साथ गांव के लोग भी परेशान हो चुके हैं, यहाँ पर खड़ा रहना भी दूभर हो चुका है। इतनी स्मेल, इतना यहाँ पर गंदगी का मौल हो चुका है पूरा पूरा। कुछ लोग हमारे साथ गाँव के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कब से मछलियाँ मरी हुई है और यहाँ की जो पंचायत है उसकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। अभी हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। ये जी बहुत सारी मछलियाँ मरी हुई है, 4-5 रोज से हमारा यहाँ रहना ही दुब्र हो रहा है। हाँ जी, तो एक बात है, यहाँ की जो पंचायत है उसको आपने कोई दरख्वास्त या कोई शिकायत की? ऐसी सरपंच का खुद का हिस्सा है जी इसमें। हाँ जी, पहले भी कई बार हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं। हाँ जी बताइए जी, सरपंच के खुद का सिर है इसके अंदर? किस चीज में? तालाब के अंदर या मछलियों के अंदर? मछलियों के अंदर है, ठेका ले रखा जो इसका। इसके अंदर मछली पालन होते हैं यहाँ पे? मछली पालन है ये। हाँ जी, तो मछली पालना तो आपकी जुंदी तो काट लेगी, मरी रहना दबानी चाहिए नीचे। हाँ जमीन में गड्ढा खोद के दूभर हो चुका, इतनी स्मेल है, देख रहे हो कितनी बदबू आ रही है। हम तो यहाँ मान ले खाना खा सकते नहीं, बाहर सो सकते नहीं, अंदर कितने देर रहेगा आदमी। हाँ जी बताइए, 6 दिन का, 6 दिन हो गया। नमस्कार जी भाई साहब। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए पूरा मामला क्या है। ये मामला ऐसे भाई साहब, ये अपने तालाब का इन्होंने 3-4 बंदों ने मिलकर ठेका लिया हुआ है 5 साल का। हाँ जी, ये मछली किस कारण से मरी है ये तो हमारे को भी नहीं पता, लेकिन ये बंदे आए, इनके बंदे आए जिंदी मछली निकाल के ले गए हैं, लेकिन मरी हुई मछलियाँ इन्होंने गाड़ी भर के कहीं साइड में खड्डा खोद के डाल सकते थे, लेकिन इन्होंने बाहर की साइड में फेंक दी। इधर रियासी एरिया, मेरा भी मकान ये साथ में, जीना दुर्लभ हो रखा है। आप लोगों से अगर इसी जितनी बढ़ा चढ़ा के इनकी कार्रवाई करी जाए तो करो, लेकिन ये गंदा है काम है। सब बच्चे सब परेशान हो रखे हैं। अब वो उनको बोलते हैं तो बोला सरपंच भी इसमें शामिल है, सरपंच का तो इतने बंदे वसीरे इनमें। तो ये जी यहाँ पर कितने समय से ये दिक्कत आ रही है मछलियाँ मरने की? मछली मरे हुए की दिक्कत तो अभी 6 दिन से हो रहा है, हर साल मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं फौज में हूँ, लेकिन इसलिए अभी मेरे सामने ये हादसा मेरे सामने हुआ है, 5-6 दिन पहले का हो रखा है। इसमें इन्होंने कोई ये नहीं कि भाई इधर गांव में बदबू जाएगी या गर्मी का, वैसे टाइम परेशान बहुत हो रखे करना जो कर लो। हाँ जी, मतलब ऐसे ही पड़ी रहेगी है। तो एक बात, जो यहाँ पर मछली पालन है सरकारी तौर से है क्या प्राइवेट है, अवैध कह सकते हो? ये मेरे जैसे गांव के बंदे हैं, उन्होंने ठेका ले रखा है। ये पूरी नॉलेज हमारे को है नहीं इस बात की, भाई कहाँ से ठेका होता था, सरकारी ठेका है तो 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट छुटवाते हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। वीडियो बोली करके जाओ है, पंचायत के पैसे आते खाते में। अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो यहाँ पर मछली पालने की समस्या नहीं है, पालो जितनी मर्जी पालो, जो यहाँ पर स्मेल है सबसे बड़ी, जो मछलियाँ मरी है वो भी बात है जी। बिल्कुल, मछलियाँ की जो बदबू आ रही है ये सबसे बड़ी समस्या है। मच्छी पालन ये अपना बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी तरफ से करो, हमारे कोई मतलब नहीं, लेकिन गाँव के अंदर वो भी गलत है। कहीं बाहर तालाब बना, और एक तालाब था वो बिल्कुल ये पूरे गाँव की जो बनी पड़ी थी पूरे तालाब ही तालाब बनवा दिए इन्होंने अपने बिजनेस के लिए। ये बहुत गलत है जी। इसका कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार जी, ये बात है, आप घर पर रहते हैं, रोटी पानी जिस टाइम बनाते हैं, यहाँ पर स्मेल इतनी हो चुकी है, क्या दिक्कतें आती है? बहुत बांस आवाज जी, मुंडी बांस खाने के लिए जी समस्या तो जी, हमने खाना भी नहीं अच्छा लगता है, बहुत बांस आती है जी, बिल्कुल हमें तो जीना राम हो रहा है, हमारा सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं जी, खा रहा है 2-3 बच्चों को, 2-3 दिन ज्यादा परेशानी है बांस आवाज। पर जितने भी लोग हैं उनका यही तो आमतौर पर कहना है कि इतनी समस्या आ चुकी है यहाँ पर, बदबू की अगर मैं बात करूँ तो बदबू से यहाँ पर बुरा हाल हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा कि आप देख लीजिए, हजारों के हिसाब से, अगर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँ तो हजारों के हिसाब से मछलियाँ बाहर पड़ी आपको दिख जाएगी मरी हुई। एक बार सचिन भाई को कहूँगा कि जूम करके दिखा दे, सचिन भाई एक बार यहाँ का पूरा माहौल देख लीजिए, सैकड़ों के हिसाब से हजारों के हिसाब से मछलियाँ यहाँ पर मरी पड़ी है। इनका यही कहना है कि जितने गांव वासी हैं, लोग हैं यहाँ के आसपास के, उनका यही कहना है कि इसे किसी ट्रक वगैरह में भरवा कर किसी खड्डे में दफना दिया जाता तो इतनी स्मेल ना आती यहाँ पर। अब गंदगी का माहौल है एक तो सबसे बड़ी बात, और दूसरा इतनी स्मेल हो चुकी है, लोगों को घर में खाना बनाना और खाना खाना तक दूभर हो चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समस्या का कोई ना कोई समाधान किया जाए प्रशासन की तरफ से भी। मैं अगली खबर के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप देखते रहिए आरएसएन एक्सप्रेस, तब तक के लिए।